एलकेजी 24-25 में एज क्या होगा सर? लेट्स साइन दिस वीडियो। संत के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत अच्छे मुद्दे पे बात करने वाले हैं। द एज ऑफ एलकेजी फॉर 2024-2025 एडमिशन एलकेजी इज इन पटना टॉप स्कूल। तो आइए इसमें डिटेल चर्चा किया जाए। जो एज बताया गया है पटना के टॉप स्कूल का बात करें और एवरेज हम देखने का बात करें, सबसे प्रमुख सवाल जो हमारे प्यारे पेरेंट्सों का गार्जियंस का होता है, सर हमारे मैंडेटरीज यानी इनिशियल क्लासेस में एलकेजी नर्सरी प्रिपेटरी क्लास वन में एजेस क्या होगा 24-25 में? अगर देखा जाए NCF नेशनल बार जो एज होना चाहिए क्लास वन में बच्चों का वो 6 ईयर्स होना चाहिए, मिनिमम 6 साल एज होना चाहिए। उसके अनुसार अगर देखा जाए अगर नर्सरी यानी 4+ से लेके 5 तक अगर आपका एज ग्रुप है देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग इन द पटना स्टॉप स्कूल LKG के लिए। अगर UKG का बात किया जाए तो 5 साल से ज़्यादा और 6 साल से कम उम्र होना चाहिए, और क्लास वन की बात की जाए तो मिनिमम 6 ईयर इन 6 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम वाले बच्चे पटना के टॉप स्कूल में फॉर्म को भर सकते हैं। अब मुद्दा ये उठता है और सबसे ज़्यादा माथा पेची सिर दर्द यहाँ ये आता है कि सर वाई देयर सो मेनी डिफरेंसेस इन द स्कूल एजेस? बिकॉज इट इज़ द स्कूल्स nowadays school produce so many datas and we are trying to inculcate or produce the videos or information in a very precise manner. अगर हम RDPS की बात करें दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में जो कि है वीडियो उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा है, वो ये है कि जो एजेस हैं नर्सरी के लिए वो 4+, लेकिन ये एज ग्रुप जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। माइकल्स की अलग निकलती है, लंडन अकेडमी की अलग निकलती है, लोयला हाई स्कूल अलग निकलती है, पटना कामला स्कूल की अलग निकलती है, मैरी वॉट किंडर गार्डन की, नॉडोसियन हाई स्कूल, सेंट जेवियर्स सेंट कॉन्वेंट, संत माइकल हाई स्कूल, सेंट जेवियर्स सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, संत कैरेंस, देर आर सो मेनी डिफरेंसेज। बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 4 साल 4+ एज होना चाहिए स्टार्टिंग क्लासेस के एडमिशन्स के लिए, नर्सरी के एडमिशन्स के लिए, LKG के एडमिशन्स के लिए जो है मैंडेटरीज होती है। अब बहुत सारे स्कूल किस क्लास के एडमिशन्स डेट निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल पटना का टॉप स्कूल कौन कौन से स्कूल डेट जो है वो अपने वैकेंसीज आउट करते हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल जो है वो पेरेंट्स का रहता है। चलिए पटना का टॉप स्कूल से फॉर एग्जाम्पल संत माइकल हाई स्कूल की बात की जाए, लोयला की बात की जाए, लंडन अकेडमी की बात की जाए, पटना कामला स्कूल की बात की जाए, तो ये प्ले ग्रुप के जनरली नहीं निकालते, ये नर्सरी ये निकालते हैं, LKGs के निकालते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि स्कूल वाइज। अब इसमें हम लोग आपको एक डिटेल वीडियोस बना करने का प्रयास करेंगे, कौन से स्कूल किसके लिए एप्लीकेशन मांगता है, किसके लिए अपना एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट करता है। फॉर एग्जांपल संत माइकल हाई स्कूल नर्सरी के लिए नहीं निकालता है, इट इज अप्लाइंग फॉर ओनली फॉर द LKG स्टूडेंट्स। द मिनिमम एज फॉर द एडमिशन इज 4+, 4 साल से ज्यादा और 5 साल के एज ग्रुप से कम वाले बच्चों का ऑन एन एवरेज प्रीवियस ईयर डेटा के अनुसार एज हम लोग बता रहे हैं आपको। इस साल डेटा कुछ शिफ्ट कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज वी आर ट्राइंग टू इंकल्केट। और जो वैकेंसी आ चुकी है अभी वो है DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना की वैकेंसी अगस्त में आ चुकी है। इफ यू वांट टू बी द पटना स्टॉप स्कूल यू कैन कॉल द नंबर एंड एनरोल टू बी द पटना स्टॉप स्कूल इन LKG विद डायलिंग द नंबर्स। सो इफ यू वांट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, समझे वो सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसे ही वीडियोज हमारे बैक टू बैक आ गए हैं। पहला 2 सीरीज हमारा ये था कि डॉक्यूमेंटेशन, इसके बाद हमारे सीरीज में वीडियोज आएंगे फॉर 2024-2025 मिशन एडमिशन इन पटना स्टॉप स्कूल फ्रॉम LKG टू क्लास 9 and 10। So let's sign out. Jai Hind, Jai Bharat.